हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के बाद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं देने वाली हूँ रिव्यू एक न्यू मड मास्क का जो कि है 82 ईस्ट की तरफ से। उन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि 1800 रुपये में क्या मिल रहा है। सो दिस इज़ देयर मंजिष्ठा मड मास्क और मैंने इसको अभी तक दो बार यूज़ कर लिया है एंड नाउ आई नो कि ये कैसे काम करता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द पैकेजिंग। सो दिस इज़ देयर पैकेजिंग, ये उनका डब्बा है, इसमें लिखा है 82 ईस्ट, लाइक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है उनकी, नॉर्मल अच्छी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, कुछ भी वेस्टेज ज़्यादा नहीं है। एंड देन यू गेट बहुत सारे रैपर्स होते हैं, मैंने इसका शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आप देख लेना उस पर पूरी प्रॉपर जो पैकेजिंग है। आई नीड टू फिगर इट आउट। सो दिस इज़ द मेन डब्बा जो भी जा रहा है बाहर एंड दिस इज़ द एक्चुअल अगेन डब्बा, इसमें डब्बे ही डब्बे होते हैं। सो दिस सेज मंजिष्ठा मड क्लैरिफाइंग मास्क विद मंजिष्ठा एंड बायोफ्लेवोनॉइड्स, दिस इज़ हाउ इट सेज, द कैप सेज, एंड दिस सेज क्लैरिफाई एंड बैलेंस एंड हेयर इज द MRP। यू कैन सी MRP इज 1800 रुपीज़ एंड इसमें आपको कंटेंट मिल जाता है 50 ml का, तो अभी तक तो आपको ऐसे ही मिलेगा एंड यहाँ पर आपको ये ऐसे फिक्स मिलता है, इसको हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा। एंड हेयर इज़ द मंजिष्ठा मड क्लैरिफाइंग मास्क, आई रियली लाइक द जार, लाइक मैंने ना अपने कपड़े इसको मैच करके पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, लाइक प्रॉपरली इट्स वेरी नाइस हैवी जार। जो पैकेजिंग है, लाइक जो बेसिक बाहर की पैकेजिंग है, मुझे उनके सारे प्रोडक्ट्स की अच्छी लगती है, बहुत क्लासी होती है। ग्लास जार है, काफ़ी हैवी है, आपको दिखा देती हूँ खोलने के बाद ये कैसा है। नॉर्मल सिंपल पैकेजिंग, नथिंग फैंसी। यहाँ ये कैप है, सेफ्टी कैप, एंड हेयर इज द प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज आवर लुक्स, मैं क्लोजर लुक दे दूंगी इसकी। सो दिस इज द टेक्स्चर ऑफ द मास्क, यू कैन सी। नो आई वॉन्ट कि इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, लाइक डेमो देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या इफ़ेक्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा एंड आपको एक्चुअली में इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कोई नेसेसिटी है कि नहीं है। सो डेफिनेटली वो आपको इसको देखने के बाद पता लग जाएगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं डेमो से। हेयर इज़ माई रियल स्किन, ये मेरी बिल्कुल असली वाली स्किन है विदाउट मेकअप एंड ये थोड़ा ना मैं सनलाइट में बाहर बैठी हूँ, वहाँ ना लाइट कुछ इस तरीके से आती है कि मेरा कैमरा मेरी जो स्किन की कंडीशन है उसको एग्जैजरेट कर देता है, मतलब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्मूथ मास्क, बहुत स्मूथ था ये लगाने में, कुछ भी फंसी नहीं है, आप नॉर्मल सिंपल अपने फिंगर्स से लगाओ या ब्रश से भी लगा सकते हो, मुझे फिंगर से लगाना पसंद है क्योंकि मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन आता है। और क्योंकि आपको इसकी एक थिक लेयर लगानी होती है, थिन नहीं, थिक लेयर लगानी होती है, सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिंगर से ज़्यादा पता चलता है कि मैंने ठीक से सारी जगह पे इसको लगा लिया है और एक अच्छी थिक लेयर लगाई है। सो मैंने अपना पूरा फेस कवर किया एंटायरली एंड उसके बाद मैंने इसको अपनी नेक पे भी अप्लाई किया एंड यू कैन सी नेक पे जब आप अप्लाई करते हो तो समवेयर कहीं ये वाइट वाइट सा हो जाता है, कहीं ये उसका जो कलर है वैसा ही रहता है। एंड इसके बाद मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया ड्राई अप होने के लिए एंड मेरी इस वाली साइड पे ये कम्प्लीटली थोड़ा ड्राई सा हो गया था, लाइक यू कैन सी ये हट नहीं रहा था एंड बट यहाँ पे थोड़ा सा गीला था, बट अदरवाइज वी कैन फील कि हाँ ये ड्राई हुआ है। देन मैंने अपनी स्पंज की हेल्प से इसको रिमूव किया, मुझे स्पंज से रिमूव करना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यू कैन सी ऑलरेडी मेरी स्किन मुझे पहले से ज़्यादा क्लियर लग रही है, स्मूथ लग रही है, लाइक इमीडिएटली आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा ब्राइट इफेक्ट दिखेगा और जब आप फिंगर से टच करोगे तो यू विल फील लाइक जैसा हमें स्क्रब के साथ फील होता है, स्क्रब करने के बाद वैसा ही आपको फील होगा। फाइनली मैंने इसे पानी से वॉश करके अच्छे से पैट ड्राई कर लिया टाल से एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टरवर्ड्स। माई स्किन लुक लिटिल ब्राइटर, यस मुझे ब्राइटर इफेक्ट लगा और मेरी स्किन क्लीन भी लगी और ऑयल तो बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल स्ट्रेची भी नहीं था एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली माई स्किन लुक्स। मैंने कहा ना बाहर की डे लाइट में मेरा कैमरा कुछ अजीब तरीके से मेरी स्किन को पिक कर रहा था, बट दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट। एज यू कैन सी माई स्किन इज़ लुकिंग लिटिल ब्राइटर, लिटिल स्मूदर एंड ओवरऑल जो हमें नाइस इफेक्ट लगता है वैसा ही मुझे ये लग रहा था। सो डेमो देख के आपको ये तो पता लग गया है कि एक्चुअली में आपको क्लैरिफाइड इफेक्ट देता है, आपकी स्किन ना
क्लीन फील होती है और दिखने में भी ब्राइट लगती है। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज कि जो आपके डेड सेल्स हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं, आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं, जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है। ये बोलते हैं कि आपको स्किन को क्लैरिफाई करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, डेफिनेटली वैसा ही रिजल्ट आता है, आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं, आपको अंदर से ना क्लीन क्लीन फील होता है कि हाँ स्किन में से ना कुछ साफ हो गया। लाइक दिस इज़ द ट्रू थिंग मैंने फील की, एंड ब्राइटर लगती है स्किन, डेफिनेटली डेड स्किन हट जाती है तो उससे आपकी स्किन आपको ब्राइट फील होती है और ना टच करने में बहुत सॉफ्ट और बहुत सिल्की सा फील हो रहा होता है। लाइक यू कैन से आई थिंक ये समहाउ टेक्सचर पे शायद काम करता हो, बिकॉज मुझे अपने हाथ से ऐसे फील करने में ना बहुत प्लेन प्लेन बहुत सॉफ्ट स्मूथ सा फील होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि ऐसा इसमें कहीं लिखा नहीं है, बट फील करने के बाद मुझे फील हुआ कि ये ऐसा ही काम करता है। एंड इट्स जस्ट लाइक इसके अंदर मंजिष्ठा है और साथ ही में बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, लाइक दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लाइक जो मंजिष्ठा होती है वो आपकी स्किन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है, और जो बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपकी स्किन में ऑयल को बैलेंस करते हैं। लाइक जो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन में घूम रहे होते हैं, एक्सटर्नली डैमेज करते हैं, उनको ये हटाने में बहुत काम करता है। मैंने जैसे अपने फेस को वॉश किया था एंड डायरेक्टली फिर ये मास्क लगा लिया था, मैंने कोई स्क्रब यूज़ नहीं किया, उसके बाद कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल स्किन केयर किया, टोनर मॉइस्चराइजर एंड देन लाइक नॉर्मल सिंपल मेकअप, एंड दिस इज़ आवर माई स्किन लुक्स। सो आई फील जो इसमें इन्होंने क्लेम किया है वो आप इमीडिएटली फील कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1800 रुपये का है, बट आई फील अगर आप स्किन केयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ऑयली स्किन टाइप से हूँ, कभी कभी कॉम्बिनेशन होती है, बट मेजरली 99% मैं ऑयली गर्ल हूँ, ऑयली स्किन टाइप है मेरी, और उस पर ये बहुत अच्छे से काम किया। एंड और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि कभी भी मेरा मन करे, सुबह मन करता है सुबह लगा लिया, रात को मन करता है रात को लगा लिया, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है। लाइक अगर आपको पता है जो मुल्तानी मिट्टी जैसे पैक्स होते हैं वो सूखने के बाद इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होता है कि इमीजिएटली उसे वॉश करो, एंड थोड़ा ध्यान से उसको वॉश करना होता है, उसमें हमको बेसिकली ध्यान रखना होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से टाइटली सूखता है। इसके साथ ऐसा नहीं है, सूखने के बाद ये भी पता लगता है कि हाँ ये सूखा है, एंड हल्का सा बहुत हल्का सा माइनर सा टाइट है। जैसे मैंने दीपिका मैम का जो ऐड देखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ये ड्राई आउट नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, जब ये ड्राई हो जाता है देन यू कैन फील ये ड्राई हुआ है। मतलब डेमो में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके पता लगता है, पूरी लेयर जो होती है वो एक साथ मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि हाथ लगाने के बाद उसके बाद भी वो हट रहा है, ये ड्राई आउट होता है। मैंने इसको कम्प्लीटली 20 मिनट के लिए रखा था, बट ये वैसा वाला ड्राई आउट नहीं होता है कि आपको टेंशन हो। सो लगाया 20 मिनट के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो, एंड यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट कि आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो तो आपको टेंशन है, वैसी वाली टेंशन नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे पसंद आया, महंगा है बट वर्थ इट है। अगर आप स्किन केयर में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये डेफिनेटली पसंद आएगा। सो माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन माई पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस इज दैट दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन डू गिव इट अ ट्राई, दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट। सो हेयर आई कंप्लीट द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड एटीट्यूड्स के रिगार्डिंग या फिर प्रॉपरली स्किन केयर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगी। कभी कभी रिप्लाई लेट हो जाता है बट होता ज़रूर है। साथ ही मैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी बहुत एक्टिव रहती हूँ और ज़्यादातर क्वेरी मैं वहीं पर ही सॉल्व करती हूँ। मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, टिल देन बाय। मैंने 82 ईस्ट के मेजरली प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, या आप बस देखना चाहते हो कि क्या है इसके अंदर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो।